गाइस वेलकम टू एएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस आज हम जो है एक चैलेंज करने लगे हैं, जिसके अंदर जो है मैं जेबी से कुछ जो है पिक्चर्स के थ्रू पूछूंगी कि ये क्या चीज़ें हैं, और वो चैलेंज क्या होगा, वो होगा आइडेंटिफाई द गर्ल्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, और आपने जो है थंबनेल में भी देख लिया होगा इसका नाम, ठीक है, A1 फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं फ़ोन में इसको जो है चीज़ें दिखाऊंगी और इसने आइडेंटिफाई करना, आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा, आप लोग भी गैस कीजिएगा, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने कितने गैस किए, और इसके पॉइंट्स भी आप लोग देखकर बताइएगा कि कितने बने। ठीक है, फर्स्ट में आज शो करने लगी हूँ। ये क्या है जिससे लड़कियां वो करती हैं अपने पेज पे, क्या करती हैं, क्या करती हैं, सही वर्ड, सही चीज बताओ। ये स्पंज टाइप है जिसको इस तरह मुकरते हैं, लगाते हैं। क्या लगाते हैं यार, इसे शेड्स लगाते हैं कुछ टाइप्स के। क्या हो सकता है ये, नहीं ब्लश ऑन तो ब्रश होता है। दो चांस हो गया, तीसरा चांस है, अब तीन चांसेस मिला करेंगे। ये क्या हुआ यार, गाइस आप भी बताएं ये क्या है। तो मुझे देख के स्पंज कह लें इसको। ये करता क्या है, गर्ल्स की क्या प्रोडक्ट है ये? ये लड़कियां इसको अपने मुंह पे यूज करते हैं। क्या, क्यों करते हैं, क्या लगाते हैं इससे? इससे शेड्स लगाते हैं टाइप्स के कुछ। गलत, क्या है, फोर चांसेस हो गए, थ्री मिलने थे। ये स्पंजेस हैं जिससे बेस लगती है, बेस स्पंज। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कुछ सही बताया कि नहीं। ठीक है, जेबी का अभी 0 पॉइंट है, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा साथ साथ। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को पता चले ये क्या, आईलैशेस को स्ट्रेट वो करते हैं थोड़ा सा ऊपर को। हाँ, इस तरह। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने क्या बताया और जेबी का ठीक है कि नहीं। ठीक है, स्टॉपर्स क्या करते हैं, इयररिंग्स में स्टॉपर्स होते हैं। हाँ, साथ साथ कमेंट कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करें अभी आप लोग। ठीक जा रहा बस एक, ये बड़े, ये भी आप लोग भी बताइएगा ये क्या है। पता नहीं कितने ये लोग काम करती है ये चीज यार, ये कुछ अल्ट्रासोनिकली हेयर वो है, हेयर रिमूवर है ये, फ्लॉलेस। कहाँ के हेयर रिमूव करती है, फेस के आपके अनवांटेड हेयर। वेरी गुड, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों ने ठीक किया कि नहीं। ठीक है, ये बताइएगा ये क्या है। ये बताएं। किसी तरह के टूल्स लग रहे हैं जो आपकी आईज पे लग के इस तरह थोड़ा सा इसे एक चीज शेप में मेकअप कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करें जल्दी, जेबी के बताने से पहले कमेंट करें यार। बताओ, पूछो तो जानो। ये भी दे सकते हैं कि इस तरह रखें और ये जगह लड़कियां जो लगाते हैं अपना जो क्या लगाते हैं यार, मस्कारा, आईलाइनर। हाँ जी, गुड। अब ये बताएं ये क्या है, ब्रश तो पता चल ही रहा है क्या है ये, ये करता क्या है, ये आईब्रोज पे तो नहीं लगाते हैं क्या, मतलब आईब्रोज को वो करने के लिए नहीं, उसको क्या करने के लिए, शेप देने के लिए और ब्लैक करने के लिए, नहीं शेप देने के लिए कि ब्लैक करने के लिए, ब्लैक करने के लिए हल्का सा उसको मैं ब्लैक कलर ऐड करके इस तरह करने के। क्या आप लोग बताएं जल्दी पूछें आप लोग, जेबी से पहले पूछे जल्दी पूछे जल्दी। यार।
सोच में पड़ा मुझे भी ये क्या है गाइस, वो चीज ही इस तरह की है, समझ मेरा आप लोगों को पता चल गया होगा इस तरह का बनाओ मैं क्या कह सकता हूँ इसको यार। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा आईब्रो वाला ही है। आईब्रो पे क्या करते हैं इससे यार, हल्का सा ब्लैक शेड कोई डाल। मैं कह रही हूँ ये नहीं है, नहीं है वो गाइज। आप लोगों ने कमेंट कर दिया है बताइएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कर दी है बताएं। अच्छा ये जो है ये ब्रश आईब्रोज को जो है वो शेप में लेके आता है, ठीक है। मैंने शायद इस तरह का कुछ और उससे ब्रश भी करते हैं, ठीक है, इससे ब्रश करते हैं और साथ में ये जो है इससे आईब्रो कोई भी नीचे ऊपर गिरी होती है ना उसको ऐसे से करते हैं तो वो साफ हो जाती है, ठीक है। ये इस पर्पस के लिए होता है। नेक्स्ट वाला ये वाला मुझे क्या है ये? इट्स वेरी इजी कलर है, हेयर कलर। इजी है हेयर कलर। ओए ओए ये तो वो है हेयर आईब्रोज को वो करता है लेस करने के लिए खींचता है, ये वो चीज है, नाम नहीं चेक पता वो है। प्लकर 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 प्लकर। अगला अगला खत्म। कितने थे मैं आप लोगों को जेबी के मार्क्स बताती हूँ, आप लोग भी बताइएगा नीचे कि जेबी ने कितने मार्क्स लिए। अभी मैं अपने जो है ना मार्क्स बताती हूँ जो मुझे लगता है, आप लोग भी बताइएगा कितने इसके सही थे और कितने गलत, और अपने कमेंट्स सारे जो आप लोगों ने किए हैं मैं अभी रीड आउट करूँगी। ये वाला नहीं था, ठीक है। 1 2 3 ये भी बताया था। 4 नहीं बताया। 5 6 8 में से 6 मार्क्स है मेरी तरफ से। आप लोग बताइएगा आप लोग कितने ठीक लगे, और ये वाला चैलेंज आप लोगों को कैसा लगा, खुद भी आप लोगों ने गेस किए हैं तो इंटरेस्टिंग लगा के नहीं, हम ऐसे ही चैलेंज और करें या नहीं, या जेपी जो है वो मेरे से कोई चैलेंज ऐसा करवाए भी होना चाहिए कि नहीं। मास्टर ही करवाती है मुझसे। हाँ तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि जो है व्लॉग्स के जो है मेरे पास ही आते हैं सोच वगैरह, तो इसलिए जेपी जो है कभी सोचता ही नहीं है, और इसकी वजह से जो है वो मैं इससे ही चैलेंज करवाती हूँ या हम दोनों इकट्ठे करते हैं, बट ये मेरे से कभी नहीं करवाता। तो इस वजह से आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कि अगली दफ़ा मेरे साथ चैलेंज होना चाहिए कि नहीं, और तब होगा जब ये खुद कहेगा कि जो है अब चैलेंज होना चाहिए तो फिर हम करेंगे। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये चैलेंज अच्छा लगा होगा, साथ में आप लोगों ने भी किया तो कितना फ़न हुआ आपको ये बताइएगा, और इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और हमारे पिछले व्लॉग्स जिन्होंने नहीं देखे, हम मरी भी गए थे और हमने एक चैलेंज पहले भी किया हुआ है वो भी चेक कीजिएगा, और मरी की सारी सीरीज़ जो है ना वो 4 डेज 5 डेज की हमने बनाई हुई है, बड़ी मज़े की हैं, वो भी चेक कीजिएगा। ओके खुदा हाफिज़।